दिग्विजय सिंह कान खोलकर सुन लो, सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया, मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए अमित शाह जो हैं, उनके निशाने पर कांग्रेस ही दिखी। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के किसी और नेता का नाम नहीं लिया, दिग्विजय सिंह का नाम लेकर चुनौती देने लगे। शुरुआत में मैंने आपको बात सुनाई अमित शाह की, अमित शाह के निशाने पर दिग्विजय सिंह आ गए और सीधे उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन लो दिग्विजय सिंह, हमारी सरकार ने क्या किया एमपी के लिए और आपने क्या किया था। जरा फिर से सुनिए पूरी बात अमित शाह की। एक के बाद एक हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। अब लोकसभा का चुनाव आया है और लोकसभा के चुनाव में मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल छोड़कर जाता हूं। आपने 10 साल में मध्य प्रदेश को 1,99,000 करोड़ रुपया दिया, कितना दिया जोर से बोलिए तो जरा, 1,99,000 करोड़ बोलिए जरा। दिग्विजय सिंह कान खोलकर सुन लो, सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया, मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम किया। इसके साथ 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट देने का भी काम किया और हर तीर्थधाम का हमने विकास करने का काम किया। अमित शाह दरअसल ये बता रहे हैं कि 5 साल में केंद्र की उस दौर की सरकार में जब कांग्रेस की थी एमपी को क्या मिला और नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने लाख करोड़ रुपए एमपी के विकास के लिए मिल गए। दरअसल मध्य प्रदेश आकर लोकसभा चुनाव की रणनीति सेट कर गया अमित शाह और इस बार खजुराहो में चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ा कार्यक्रम था तो उनके निशाने पर कांग्रेस ही थी। कांग्रेस पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए, सनातन धर्म के अपमान से लेकर मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर अमित शाह बोलते हुए नजर आए, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी और कांग्रेस नेता का नाम न लेकर उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम इसलिए लिया कि वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद दिला रहे थे कार्यकर्ताओं को और जनता को। दिग्विजय सिंह उनके निशाने पर थे और मुद्दा था मध्य प्रदेश के विकास का, जिसमें वो बंटाधार शब्द का भी प्रयोग करते हुए नजर आए। दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, अमित शाह एक बार फिर से एमपी की कमान संभाल चुके हैं, चुनाव की पूरी रणनीति वही बना रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा, साथ ही साथ जीत का मंत्र भी दिया, लेकिन इस दौरान उनके निशाने पर दिग्विजय सिंह जरूर आ गए, मन से ही ललकारते हुए वो नजर आए। और तो और मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर बीजेपी चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट है छिंदवाड़ा सीट जीतना, उसको लेकर भी अमित शाह एमपी की जनता से इस बात को लेकर हाथ जोड़ते नजर आए कि एमपी में 29 में से 29 सीटें बीजेपी को मिलना चाहिए। आप देखते रहे अभी तक।